This is the future. Evolution. This is the future. Look at second. Oh, babe! Maro, oh. mujhe maro, maro, mujhe maro, oh, no, maro. नहीं ये मजाक हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले यहाँ पे सुपर ह्यूमन मोड के बारे में यहाँ पे जो सुपर ह्यूमन मोड है वो गेम फॉर पीस का मोड है लेकिन यहाँ पे वाला जो मोड है ये आपको सेम ही कैटेगरी में देखने को मिलेगा जहाँ पे जो पेलो टू पॉइंट पावर आर्मर और बाकी यहाँ पे जितने भी मोड्स मोड पे पुराने आए है गेम फॉर पीस से तो चांसेस है कि यहाँ पे ये वाला जो मोड है ये हमें यहाँ पे पब्जी और बीजम के फ्यूचर अपडेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा

आपको आठ करेक्टर्स में से पे एक करेक्टर को चूज करना है उन कैरेक्टर्स के पास यहां पे तीन तीन स्पेशल एबिलिटी है जो कि आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगा इससे पहले दोस्तों यहाँ पे इस मोड के अंदर यहाँ पे एक स्पेशल लोकेशन है जो कि बिल्कुल आप कह सकते हो एक फ्यूचर स्पेस सिटी है उसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ फ्यूचरिस्टिक टाइप की जो बिल्डिंग्स है वो देखने को मिलती है तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे क्या ही लग रही है कुछ अलग ही टाइप का एक लेजर बीम से यहाँ पे कुछ खोलने के यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं इतनी बड़ी यहाँ पे मशीन इन्होंने रखी हुई है एराइंगल में इस मोड़ में दोस्तों जगह जगह पे आपको यहाँ पे कुछ ऐसी यहाँ पे एपेक्स टाइप की जो क्रेट्स है वो देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर यहाँ पे इन्होंने जो लूट है वो रखी हुई है फिर दोस्तों यहाँ पे जो करैक्टर्स आते हैं तो पहला मेरा फेवरेट यहाँ पे कह सकते हो कैरेक्टर या एबिलिटी है यहाँ पे रॉकेट तो इसके पास आपको बता कि यहाँ पे एक रॉकेट होने वाला एक टाइप का तो सबसे पहले इसकी यहाँ पे मिनी एबिलिटी की बात करें वो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें आप जो जंप करते हो तो जंप के साथ आपका जो रॉकेट है वो यहाँ पे यूज होगा तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ग्राउंड से अपना फर्स्ट फ्लोर के यहाँ पे बिल्डिंग पे जा सकते हो अपने बिना जो नेक्स्ट पावर उसको यूज किए एक टाइप का यहाँ पे जेट पैक होने वाला है जिसको आप यूज करके यहाँ पे उड़ सकते हो और कुछ सेकंड्स के लिए जो सुपरमैन है वो यहाँ पे बन सकते हो तो ये मेरे ख्याल से काफी लोगों को पसंद आया कि यहाँ पे जो एबिलिटी आप देख सकते हो आपको यहाँ पे सिर्फ बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे हवा में फेंक देगा ये तो कुछ इस तरीके से आप यासना है कि एक एंड से दूसरे एंड तक यहाँ पे जा सकते हो और इसको दोबारा यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा कूल डाउन का वेट करना पड़ेगा और यहाँ पे काफी मस्त सीन होता है यहाँ पे आप देख सकते हो आप इसके साथ साथ उड़ते उड़ते यहाँ पे जो शूट है वो भी यहाँ पे कर सकते हो इसका जो टाइम है वो हमारे पावर आर्मर वाले सूट से काफी ज्यादा है और यहाँ पे तो मैं ब्रिज के ऊपर चढ़ गया था तो सही में काफी मजा आता है और ये वाली जो एबिलिटी है वो दोस्तों इतने पे ही खत्म नहीं होती है इस एबिलिटी के साथ आपको यहाँ पे जो ग्रेनेड लॉन्चर है वो मिलता है तो आप 20 से 25 सेकंड तक यहाँ पे जो अनलिमिटेड यहाँ पे शॉट्स है ग्रेनेड है फेंक सकते हो तो ये यह इसकी यहाँ पे एक और एबिलिटी है फिर इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर आता है वो है यहाँ पे फैंटम पे हंटर तो फैंटम हंटर दोस्तों आपको अक्टेन की दिलाने वाला वाले। इसकी आप देख सकते हो पे जो मिनी एबिलिटी है वो दोस्तों ये है कि आप इसको जब बुलेट शूट करोगे तो हर एक जो सेकंड बुलेट होगी उसका डैमेज बुलेट से यहाँ पे ज्यादा होने वाला है इसके अलावा पे इसकी जो मेन एबिलिटीज की बात करें यहां जो मेन एबिलिटी है उसमें आपको दोस्तों क्या मिलेगा टेन के पे जो स्पीड वाली एबिलिटी थी तो वही आपको मिल रही है यहाँ पे देख सकते हो एक सूट आता है और उसके बाद यहाँ पे जो कैरेक्टर की स्पीड है वो यहाँ पे नॉर्मल से काफी ज्यादा बढ़ जाती है

तो ये भी काफी अच्छी एबिलिटी है जो कि यहां इन्होंने इस कैरेक्टर के साथ ऐड किया है फिर इसके बाद यहां पे जो नेक्स्ट यहां एक फीमेल कैरेक्टर है फील्ड डॉक्टर तो इस कैरेक्टर की दोस्तों पे जो मिनी एबिलिटी है वो दोस्तों ये की अगर आप यहां पे नॉकआउट हो जाते हैं मैच में तो आप अपने आपको अनलिमिटेड टाइम से पे सेल्फ रिवाइव कर सकते हो तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है पे इस कैरेक्टर की उसके अलावा दोस्तों आप जैसे यहाँ पे इस करेक्ट के यहां पे सेकंड एबिलिटी को यहाँ पर यूज करते हो तो आप देख सकते एक ड्रोन सा आता है है और ड्रोन आपकी पे जो हीलिंग में वो हेल्प करता है। तो जब तक यहाँ पे ड्रोन रहेगा तब तक आपकी जो हेल्थ है वो यहाँ पे रिकवर होती रहेगी इसके अलावा पे इसकी जो थर्ड एबिलिटी है तो थर्ड एबिलिटी आप जैसे यहाँ पे यूज करते हो तो आपके जो टीममेट्स है अगर वो यहाँ पे इस डिवाइस के यहाँ पे रेडियस में है तो आपके जो टीमेट्स है वो भी यहाँ पे हील होंगे उसके अलावा आपके जो टीमेट्स है यहाँ पे इस डिवाइस का इंटरेक्ट कर सकते हैं और इस डिवाइस से भी यहाँ पे जो अनलिमिटेड यहाँ पे सेल्फ रिवाइव किट्स है वो अपने पे बैकपैक में डाल

वापस यहाँ पे दूसरी जगह पहुंच चुका है और फिर अब इसकी यहाँ पे जो आप कह सकते हो जो सेकंड यहाँ पे मेन एबिलिटी है वो दोस्तों यहाँ पे आप, आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसको आप क्रेस करता हूँ तो मेरे सामने एक काफी बड़ा सा सर्कल आता है तो इसको आप यूज करके यहाँ पे इस सर्कल के रेडियस के अंदर यहाँ पे किसी भी लोकेशन पे आप यहाँ पे जंप कर सकते हो कुछ इस तरीके से आपकी एंट्री होती है

क्योंकि पहले यहाँ पे जो एबिलिटी है जैसे आप उसको यूज करते हो आपके सामने दोस्तों यहाँ पे एक पोर्टल सा खुलता है जिसको आप यूज करके उसी लोकेशन पे आप वापस जा सकते हो जैसे कि आपको मैं गेम में दिखाता हूँ जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पोर्टल को यहाँ पे एक्टिवेट किया है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ सपोज सब, सब, यहाँ पे एनिमी आ चुका है और मेरे पास यहाँ पे सकते हो जो कवर है वो नहीं इसका जो सेकंड मेन एबिलिटी है वो आप देख सकते हो स्टोर टाइप का है जो की आपको यहाँ पे खोलना है आपको ना तो यहाँ पे कोई शॉप तक पहुंचेगी ना कुछ चाहिए जैसे इसको आप खोलोगे आपके सामने यहाँ पे जो अनलिमिटेड आइटम्स है आपकी टीम अपनी स्क्वाड के लिए पूरी आ जाएंगे इतने इस पर टैप करोगे तो आपके बैकपैक या फिर आपकी जो गन्स हैं वो आपके हाथ में आ जाएंगी। फिर इसके बाद दोस्तों पे पे जो नेक्स्ट कैरेक्टर है व्हीकल मकैनिक की जो यहाँ पे मिनी एबिलिटी है वो दोस्तों ये है कि अगर पे जो कैरेक्टर लेके आप पे ड्राइव कर रहे हो तो अगर आप किसी भी व्हीकल पर हिट करते हो तो जो डैमेज होगा नॉर्मल किसी बंदे के हिट करने से वो यहाँ पे ज्यादा होने वाला है उस व्हीकल को और अब यहाँ पे मेन एबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे जो मेन एबिलिटी के अंदर आपको यहाँ पे एक रोबोट मिलता है जिसको आप यहाँ पे एक लोकेशन से यहाँ पे हैंडल कर सकते हो और उसको यूज करके आप यहाँ पे लेजर बीम के थ्रू यहाँ पे एनिमी को यहाँ पे डैमेज कर सकते हो और इवन उसको चाहो तो यहाँ पे नॉक भी कर सकते हो तो काफी सही पे रोबोट है, तो है। ये इसकी यहाँ पे मेन एबिलिटी है फिर यहाँ पे आप जो सेकंड यहाँ पे मेन एबिलिटी आपको देखने को मिलेगी वो दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल यूएस तो, तो जैसी आप यहाँ पे यूएस को बुलाओगे आपके सामने से आसमान से यहाँ पे टपके यहाँ पे देख सकते हो यूएस और बिल्कुल ही दोस्तों यहाँ पे अलग टाइप के यहाँ पे यूएस है वो ये होने वाली है नॉर्मली आप देख सकते हो अलग टाइप का जो डिजाइन है वो इस पे किया हुआ है इसके जो व्हील्स देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे क्या ही लग रही है बिल्कुल एक कह सकते हो मॉडर्न साइबर पंक थी यहाँ पे जो यूएस है वो ये लग रही है इसकी यहाँ पे जो डैमेज कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे नॉर्मल यूएस से यहाँ पे ज्यादा होने वाली है बट यहाँ पे दोस्तों इस यूएस पे जो मेन चीज है दोस्तों इसके जो व्हील्स है वो यहाँ पे कन्वर्टेबल है आप व्हील्स को पे कन्वर्ट करके उनको आप चाहो तो यहाँ पे पानी पे भी चला सकते हो तो एक चीज आप पे रिग्रेट करने वाले मैंने इसको यहाँ पे पानी में क्यों छोड़ा क्योंकि यहाँ पे जो कार है ये तेल ऐसा पिएगा आपका आप देखते रह जाओगे यहाँ पे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर है वो है ब्लास्टिंग कैप्टन तो इसकी जो आप कह सकते हो एबिलिटी है वो यहाँ पे है कि यहाँ पे इसका जो डैमेज है ग्रेनेड से या फिर बाकी

तो एक काफी बड़ा सा जो डैमेज है वो पूरी एनिमी को यहाँ पे स्क्वाड को होने वाला है फिर यहाँ पे इसकी जो थर्ड एबिलिटी है वो आप देख सकते हो यहां पे जैसे पहले अपना पेलोड में आया था तो आप इसको यूज करके जो एयर स्ट्राइक्स है वो यहां पे करवा सकते हो इस बार इसकी जो रेंज आप देख सकते हो काफी ज्यादा है तो आई थिंक एयर स्ट्राइक का जो इफेक्ट है वो भी यहाँ पे इंप्रूव किया आप देख सकते हो यहां पे ऑलमोस्ट तीन बार यहाँ पे जो बॉम्ब्स हैं वो गिरते हैं और यूएस को तो तबाही कर देते हैं फिर इसके बाद उससे यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे एट कैरेक्टर है वो है यहाँ पे कमांडर तो कमांडर के पास यहाँ पे जो मीनिबिलिटी है वो ये है कि अगर आप इसके यहाँ पे लेते हो तो उसके बाद आपके यहाँ पे जो गन का आप कहते तो स्कोपिंग स्पीड है या फिर हमारे यहाँ पे जो रिलोडिंग स्पीड है वो दोनों के दोनों यहाँ पे बढ़ जाएगी फिर हमारे पास यहाँ पे इसकी जो सेकंड यहाँ पे मेन एबिलिटी है वो दोस्तों ये है कि अगर आप इसको यूज करते हो तो एनबी अगर आपके यहाँ पे बुलेट से हिट करता है तो उसका डैमेज आपको नहीं पड़ेगा कुछ सेकंड्स के लिए आप उसके यहाँ पे बुलेट से यहाँ पे बच सकते हो और अब यहाँ पे जो इसकी लास्ट आप कह सकते हो जो थर्ड एबिलिटी है वो दोस्तों ये है कि आपका यहाँ पे जो टीममेट है आपके जो स्क्वाड मेंबर्स है उनको दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा बूस्ट देने वाली है क्योंकि उनका जो डैमेज है गन का उनके यहाँ पे आप कह सकते हो तो जो हेल्थ है और बाकी उनके यहाँ पे जो आर्मर्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे सिक्योर रहेंगे कुछ सेकंड्स के लिए जैसे आप यहाँ पे इस थर्ड एबिलिटी को यूज करोगे एक टाइप का एनिमेशन करता है ये फ्लैग करता है अपनी टीम को पूरा अलर्ट तो करता है ओवरऑल दोस्तों पे ये आठ कैरेक्टर बताना जरूर कमेंट्स में कि आपको यहाँ पे यह वाला जो मूड है वो कैसा लगा और कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है बाकी देखते हैं आप ये वाला मोड पबजी और बीजे में कब आता है तो अब यही था आज की वीडियो आपको जो दिखाना था वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना और जाते यूट्यूब के रीति रिवाज है अपना शेयर कमेंट सब्सक्राइब वो करके जाना तो मैं भी लूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय